नमस्कार दोस्तों, जसबीर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डोकलाम इशू के बारे में। यह प्रश्न हमको लुधियाना से हमारी व्यूअर हैं सीनू जी, उन्होंने पूछा है कि डोकलाम इशू के बारे में आप अपना वीडियो ब्लॉग करें। डोकलाम एक जगह है, छोटी सी लोकेशन है जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लेकिन ये लोकेशन है कहाँ? ये भारत, चीन और भूटान तीनों के बॉर्डर पे लोकेशन है। इन तीनों के साथ लगती हुई लोकेशन है। सबसे पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट, ये मसला भारत का नहीं है लेकिन चीन और भूटान के बीच का मसला है, बायलैटरल इशू बिटवीन चाइना एंड भूटान, और काफ़ी पुराना चला आ रहा है डोकलाम इशू उनका। परंतु चाइना का कहना ये है कि क्योंकि पिछले 2-1 साल से भूटान उसको, अब उनके हिसाब से कि भाई ये आप लोग तो इसको मानते हैं कि हाँ दिस इज़ चाइनाज हिस्सा, तो अब हम इस पर, क्योंकि जब आप मानने लग गए हैं तो फिर हम अब आगे इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और हम यहाँ पे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का मतलब सड़क वहाँ तक ला रहे हैं, सड़क खींच रहे हैं वहाँ तक, और दूसरा फौज के वहाँ पे बंकर्स वगैरह भी बनाने की उनकी पूरी तैयारी थी। आप कहेंगे कि अगर बायलैटरल इशू है तो भारत को वहाँ पे पंगा लेने की क्या ज़रूरत है? पंगा लेने की ज़रूरत साहब इसलिए है कि 1949 की ट्रीटी है भूटान के साथ, जहाँ उसकी फॉरेन पॉलिसीज जो भी हैं वो इंडियन इंटरेस्ट्स के साथ चलेंगी। इंडिया विल प्ले अ मेजर फैक्टर इन द पॉलिसीज, इन द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ भूटान। अब वहाँ पे हिंदुस्तानी फौज, एक स्टैंड ऑफ हुआ है हिंदुस्तानी, इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी का। काफ़ी दिन तक वो स्टैंड ऑफ चलता रहा और जब बातचीत के टेबल पे बात आई तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि चाइना का ये मानना था कि पहले जितने भी भारतीय सैनिक हैं इनको उस जगह से हटाया जाए, वापस लिया जाए, ये ट्रेसपास कर रहे हैं उस लोकेशन को, और इनको वापस लिया जाए, उसके बाद कोई भी बातचीत की जाएगी। बट भारत ने अपना स्टैंड वहाँ से नहीं हटाया, भारत वहाँ से नहीं हिला, भारतीय सेना वहाँ पर डटी रही। उसके बाद जापान ने, रशिया ने कुछ एक वक्तव्य दिए, कुछ एक उनके नेताओं ने कहा, जैसे जापान ने तो बिल्कुल क्लियरली कहा कि वी स्टैंड विद इंडिया ऑन दिस, इंडिया का स्टैंड बिल्कुल सही है इस उसमें, और चाइना को बातचीत से और इंडिया को बातचीत से ये हल निकालना चाहिए। रशिया का भी कुछ ऐसा ही कहना था। अब क्योंकि आजकल मीडिया लाइमलाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना चाइना में बात हुई ना इंडिया में बात हुई, बात हुई बिल्कुल एक अलग जगह, हांगकांग। हांगकांग में डिप्लोमेसी जो थी, चाइनीज़ डिप्लोमेसी, इंडियन डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी जिसको हम कहते हैं, उसने वहाँ काम किया। वहाँ पे इसका हल निकाला गया कि आप भी पीछे हट जाइए, हम भी पीछे हट जाएंगे और भूटान से हम इस चीज़ पर बातचीत करेंगे। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई अब ये हो तो क्या, आप तो क्या ये हमारी विजयी है, क्या ये जीत है? देखिए, विजयी होना या ना होना एक अलग मसला होता है। इससे कोई हमारा, हमने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना हमारी विजय नहीं होती, या हमारी हार या चाइना की हार नहीं होती। अब ये क्यों हुआ, क्यों चाइना पीछे हटा, चाइना को हटने की क्या ज़रूरत थी, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो ट्रेड इंटरेस्ट्स हैं चाइना के। आज की डेट में कोई भी देश जब तक कि कोई बिल्कुल बेवकूफ़ी भरे काम ना हो जाए या बहुत ज़्यादा हद ना हो जाए, कोई भी देश जंग नहीं चाहता। जंग से बहुत नुकसान होता है, और आज की डेट में अगर कोई जंग होती है तो वो इकोनॉमिक जंग है, सब बिजनेस की जंग है, कॉमर्स की जंग है कि आप कहाँ है। आज की डेट में दोनों ही देश, चाहे वो इंडिया है चाहे वो चाइना है, दोनों की इकोनॉमीज ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, और कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई हमारी ग्रोथ इकोनॉमीज की रुके, ना तो चाइना चाहता है। चाइना अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स जो है उसके वो बढ़ाना ही चाहता है, कम नहीं करना चाहता, और इंडिया उसका लिए मेजर मार्केट है। इंडिया में चाइना के बहुत इंटरेस्ट हैं, इंडिया में चाइना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स को दिक्कत पड़े या कुछ भी दिक्कत हो। तो अब जो भी वॉर्स होंगी, दे विल ऑल बी इकोनॉमिक, इट इज़ नॉट अ मिलिट्री वॉर दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस नाउ। इफ एनी वॉर इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, इट्स गोइंग टू बी इकोनॉमिक वॉर।
इसके बाद एक तो ये इकोनॉमिक वॉर के मसला हो गया, दूसरी चीज़ ये थी कि चाइना को ये समझ में आ गया था कि अब ये इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो पहले होता था, कि इनको थोड़ा सा वो करते थे तो इनकी डिप्लोमेसी पीछे हटवा देती थी, सब कुछ मान जाते थे, अब ये वो नहीं रहा। और तीसरा और फोरमोस्ट जो है आज की डेट में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। अगर ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में आप नहीं जानते तो ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब देशों को मिला के एक ब्रिक्स सम्मेलन बना है और जो चाइना में ही चल रहा है। बड़ी ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती अगर वो स्टैंड ऑफ ख़त्म ना होता डोकलाम का, इंडिया के लिए या चाइना के लिए और देशों के लिए भी, क्योंकि उनके सभी के राष्ट्राध्यक्ष ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 सितंबर को पहुँच चुके हैं ब्रिक्स सम्मेलन के लिए। ब्रिक्स सम्मेलन का होना भी एक कारण था इसके स्टैंड ऑफ के ख़त्म होने का। और अब ये देश मैच्योर हो चुके हैं, जरा जरा सी बात पे, जरा जरा से उकसावे पे, ये किसी के उकसावे में या उसमें ना आकर के इन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और स्टैंड ऑफ को ख़त्म किया है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन एंड दिस हेल्प्स यू इन वॉट एवर फील्ड, वॉट एवर थिंग्स यू आर ट्राइंग टू डू। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई किसी का प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, इस वीडियो पे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।